पहाड़ी से बरस रही आफत, धीरे धीरे बढ़ने लगी मुसीबत, बिना बारिश के दरक रहे पहाड़। दौर भले ही मानसून का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश थम गई है। पहाड़ों पर बारिश थमने के बाद मुश्किलें कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के बाद अचानक धूप खिलती है और धूप खिलने के बाद पहाड़ों का दरकना और स्लाइडिंग होना शुरू हो जाता है। वहीं यमुनोत्री हाईवे में भी कुछ उसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, जहां हाईवे पर थरासू बड़कोट मोटरमार्ग के सिल्ला गांव शिरकोट के पास बंद हो गया। लगातार पहाड़ी से बरस रही आफत के चलते ये हाईवे बंद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से पेड़, मलबा और पानी निकल रहा है। ये स्लाइडिंग पूरे हाईवे के लिए खतरा बन चुकी है। ये हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसे खोलने की कवायद भी जारी है। बिना बरसात के ही ये पहाड़ी अब दरकने लगी है, जिस वजह से यात्रियों को सबसे ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। वक्त चार धाम यात्रा का भी है। भले ही इन दिनों यात्रियों के आने की रफ्तार धीमी है, लेकिन फिर भी यात्री चारों धाम में आ ही रहे हैं। भारी बारिश के बाद बुरा असर चार धाम यात्रा पर पड़ा है। गंगोत्री हाईवे पर भी भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस वजह से हाईवे आवाजाही के लिए बंद हो चुका है। लेकिन प्रशासन जल्द से जल्द हाईवे खुलने की कवायद शुरू कर रहा है। पहाड़ों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश का दौर अभी भी जारी है। हालांकि कई बार बारिश नहीं हो रही और धूप खिल रही है, लेकिन बारिश के बाद धूप खिलने से पहाड़ों पर बुरा असर पड़ता है, जिसके बाद वो दरकने लगते हैं और दरकते हुए पहाड़ हमेशा सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हाल इस वक्त यमुनोत्री हाईवे का है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिर रहा है, जो कि सीधे यमुनोत्री हाईवे में आ रहा है। फिलहाल प्रशासन लगातार हाईवे खोलने की कोशिशें कर रहा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।